आइए आपको एक विद्यालय की एसएमसी मीटिंग में ले चलते हैं, जहां स्कूल की हेडमिस्ट्रेस कुछ ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न बीमारियों के इंग्लिश नामों का सही उच्चारण एवं उनके विषय में जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं, जिससे वे अपने बच्चों में इंग्लिश शब्दों के सही उच्चारण का विकास कर सकें और उनके पठन पाठन में उनकी मदद कर सकें। चलिए आज हम बीमारियों यानी डिजीजेस के बारे में चर्चा करते हैं। डिजीज? डिजीज नहीं मीना, डिजीज। डिजीज कुछ डिजीज वाटर बॉर्न होती है, कुछ वायरस या बैक्टीरिया के कारण होती है और कुछ कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के कारण होती है। क्या मैडम जी? कंटेमिनेटेड मीना, सी ओ एन टी ए एम आई एन ए टी ई डी। कंटेमिनेटेड मीन्स दूषित। डायरिया, डायरिया एक वाटर बॉर्न डिजीज है। डी आई ए आर आर एच ओ ई ए, डायरिया यानी दस्त। इसी तरह कंटामिनेटेड फूड या वाटर के कारण कॉलरा नाम की बीमारी होती है। कॉलरा? कॉलरा नहीं सुनीता, कॉलरा। कॉलरा सी एच ओ एल ई आर ए, कॉलरा। कॉलरा यानी हैजा। हाँ मैडम जी, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। आपको पता है मैडम जी, पिछले महीने मेरी बहन को डेंगू हो गया था। डेंगू? डेंगू नहीं सुनीता, डेंगी। डी ई एन जी यू ई, डेंगी। ये एडीज मॉस्किटो के काटने से होती है। इसी तरह टाइफॉइड टी वाई पी एच ओ आई डी टाइफॉइड होता है, जो एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसमें यूजुअली हाई फीवर, हेडेक और वीकनेस जैसे लक्षण पाए जाते हैं। मैडम आपको पता है, हमारे गांव के हाजी साहब का जो लड़का है ना, उसको सांप ने काट लिया था और तौबा तौबा उसको लकवा मार गया। हाँ, सांप का जहर पॉइजनस होता है। पॉइजनस पी ओ आई एस ओ एन ओ यू एस, पॉइजनस मतलब जहरीला। और हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट यानी प्रभावित करता है। मैडम जी आप जानते हैं, हम तो बड़ी दवा निगले नहीं पाते हैं। हाँ रामकली, बड़ी दवाएं स्वालो करना, एस डब्ल्यू ए एल एल ओ डब्ल्यू, स्वालो करना यानी निगलना मुश्किल होता है। पर उनमें से कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम वाटर सॉल्युबल होने के कारण आसानी से ले सकते हैं। अच्छा। अरे मैडम जी, आजकल तो सब जगह वो जो एक बीमारी फैली है ना, कोरोना, उसी का नाम फैला हुआ है। बिना वो मास्क लगाए कहीं जा ही नहीं सकते हैं। मास्क नहीं कमला, मास्क एम ए एस के, मास्क। कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर का यूज भी करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है। इस तरह से आज हमने डिजीजेस अराउंड अस के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।